ये है मार्टिन पिस्टोरियस और ये 12 साल की उम्र में ही कोमा में चला गया था। दरअसल ये एक दिन स्कूल से घर आ रहा था और जब घर पहुंचा उसके बाद से वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो अब रोज एक ही जगह पे लेटा ही रहता था और धीरे धीरे वो अपनी याददाश्त भी खोने लगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ टाइम बाद वो कोमा में भी चला गया और डॉक्टर ने भी कह दिया कि मार्टिन अब दोबारा कभी भी एक आम जिंदगी नहीं जी पाएगा। और जब मार्टिन 16 साल का हुआ तो उसकी कॉन्शियसनेस और याददाश्त फिर से वापस आने लगा, पर फिर भी वो अभी तक बात नहीं कर पा रहा था। जब मार्टिन 25 साल का हुआ तो मार्टिन का ध्यान रखने वाली पैरामेडिक ने नोटिस किया कि मार्टिन मुस्कुराने और सिर हिलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उन्होंने ये नोटिस किया तो मार्टिन को अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सेंटर में भेज दिया गया। तो उन्हें पता चला कि मार्टिन का माइंड अभी भी कॉन्शियस है। और जब इसके बारे में मार्टिन की माँ को पता चला तो उन्होंने तुरंत अपना जॉब छोड़ दिया और उन्होंने मार्टिन के लिए एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किया जिससे मार्टिन दूसरे लोगों से कम्युनिकेट कर पाए। और दोस्तों इसके जरिए मार्टिन ने बाद में बताया कि जब वो 19 साल का था तो उस टाइम उसकी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से वापस आ गया था और उसके बाद मार्टिन भी हमारी तरह एक आम जिंदगी जी पाया।